दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी. बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग. अब एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी में मेन क्या है कि जब हमें किसी को भी कोई दवाई प्रेफर करनी होती है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हमें उन्हें एंटीबायोटिक प्रोवाइड करनी होती है. व्हाट डू वी मीन बाय एंटीबायोटिक? दैट इज अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो वो दवाई जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक इज अ केमिकल कंपाउंड. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी और मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट एक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. मतलब एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ है जो कि एक केमिकल कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है या हम नेचुरल रिसोर्सेज से भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यूज़ इसको किसके अगेंस्ट करना है? ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस इज़ आर एंटीबायोटिक. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पूरा क्या पढ़ेंगे कि हमारी एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, हमें किसी को अगर एंटीबायोटिक प्रोवाइड करनी है तो उसको कैसे चेक करना है, किसको कितनी डोसेज देनी चाहिए, कैसे चेक करना है कि उस बंदे पे कौन सी, नॉट उस बंदे पे, उस पेशेंट के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें कितनी डोसेज देनी चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक रिसेस्टिव होगी, कौन सी सेंसिटिव होगी, कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी बैक्टीरियोस्टेटिक होगी, कौन सी बैक्टीरियोसाइडल होगी. तो दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री. अब ये कहाँ से एंटीबायोटिक बनी, कैसे एंटीबायोटिक? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक बंदा था जिसने 1928 में एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया. एक्सीडेंटली मतलब उसने स्टेफेलोकोकस ओरियस की ग्रोथ करवाई और उसने नोटिस करा कि वहां पे एक ऐसा मोल्ड आके गिरा है जिसने स्टेफेलोकोकस ओरियस की ग्रोथ को रोक दिया है. उस जगह पे ग्रोथ ही नहीं हो रही जिस जगह पे हमारा वो मोल्ड गिरा. मोल्ड इज अ टाइप ऑफ फंगस जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे, तो इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ. मोल्ड इज अ टाइप ऑफ फंगस जो उस पर आके गलती से गिरा. आपने नोटिस करा होगा ब्रेड्स पे जो, जैसे ब्रेड जो बाहर पड़ा रह जाता है उस पर व्हाइट व्हाइट करके की फंगस जम जाती है ना, दैट इज अ टाइप ऑफ मोल्ड. तो वो गलती से मोल्ड उसकी उसके प्लेट पे आके गिर गया जहां पे स्टेफेलोकोकस ओरियस जो है ग्रोन थी. ठीक है, उसको डाउट हुआ कि दैट मीन्स ऐसा कोई कंपाउंड है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकता है. सो दैट इज योर मोल्ड. मतलब उस स्पेसिफिक टाइम पे उसको ऐसा फील हो गया, मतलब उसने ये डिस्कवर करा कि हाँ दैट इज समथिंग दैट कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया. तो वो किसने करा? पेनिसिलियम नोटाटम से बनी हुई एक एंटीबायोटिक, दैट इज पेनिसिलिन. पेनिसिलियम नोटाटम इज अ फंगस, इज अ नेम ऑफ फंगस जिससे पेनिसिलिन बनाएगी जो कि हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री में. अब हमें पता चल गया एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, हिस्ट्री डिस्कस कर ली हमने. थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक. अब हमारी अगर हम कोई भी दवाई खाते हैं वो हमारी बॉडी में किसी पार्ट पे जाके इफेक्ट करती है. ठीक है, उसको दवाई को पता है कि हाँ मेरे सिर दर्द हो रहा है तो मेरे को सिर दर्द हटाना है, अगर पेट में इन्फेक्शन है मेरे को पेट को करना है. तो ऐसे ही हमारी एंटीबायोटिक कैसे, किस तरीके से, किस एक्शन से हमारे ऑर्गेनिज्म को मारती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट इट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस. अब हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर के कॉम्पोनेंट. उस नए एंटीबायोटिक ने सबसे पहले सेल वॉल सिंथेसिस पे अटैक करना है. अगर सेल वॉल नहीं बन पाई दैट मीन्स उसकी फर्दर कुछ चीजें भी सेफ नहीं रहेंगी. ठीक है, तो बाय प्रिवेंटिंग द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पॉलीसेक्राइड चेन जो कि इन्वॉल्व होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की फॉर्मेशन में, उसने उसको प्रिवेंट कर देना. अगर वो प्रिवेंट होगी दैट मीन्स तुम्हारी वो मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं होगी. अगर वो मेम्ब्रेन नहीं फॉर्म हुई तो दैट मीन्स आपका जो सेल है वो डेथ, उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ एक्शन इज डैमेज टू योर सेल मेम्ब्रेन. डैमेज टू योर सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल पे असर नहीं हुआ किसी एंटीबायोटिक का, तो हम किस पे अटैक करेंगे? सेकेंड वन इज हम नहीं, मतलब एंटीबायोटिक किस पे अटैक करेगी? सेल मेम्ब्रेन पे. तो वहां पे क्या करेगी? अब वो सेमी परमेबिलिटी होती है जो इस मेम्ब्रेन की. अब सेमी परमेबिलिटी क्या होती है? हर चीज को सेल के अंदर या हर चीज को सेल से बाहर जाना लो नहीं करना. ठीक है, सेमी परमेबिलिटी सिलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देना. अगर वो चीज खत्म हो गई और हर चीज अंदर जा सके और बाहर जा सके दैट मीन तुम्हारा सेल अगेन मर जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज द इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड फॉलिक एसिड सिंथेसिस. अब कोई भी चीज परफॉर्म करनी है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की ही बात करें तो हमारी बॉडी में भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हर चीज की जरूरत हमें है. लाइक दिस ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड की और फॉलिक एसिड की जरूरत होती है. अगर वो बनना बंद हो जाएगा दैट मीन्स क्या होगा? वो बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. ठीक है,
तो बॉडी किसकी, बैक्टीरिया की ऑफ कोर्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटीबायोटिक, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका मोड ऑफ एक्शन एंड रेजिस्टेंस। हम सिर्फ एक एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज आर फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। वैसे जो मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं आजकल के हमारे बैक्टीरियल के इन्फेक्शन को वो करने के लिए, दैट इज पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरेंस, माइनोग्लाइकोसाइड्स, क्लोरम्पेनिकॉल, ठीक है। ये हमारी एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज होती हैं। पेनिसिलिन हम डिस्कस करने लगे हैं। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर यू कैन सी, इसमें बीटा लैक्टम रिंग भी होती है और इस पे हमारे पास चार मेंबर्स होते हैं, और अगर हम साइड चेन को चेंज कर दें तो हमारे डेरिवेटिव्स चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द पेनिसिलिन स्ट्रक्चर। पेनिसिलिन कहाँ से बनता है? पेनिसिलियम नोटाटम से, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ फंगस। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है? दैट मीन्स ये एंटीबायोटिक कैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करती है? ये ट्रांसपेप्टेडेज को के साथ कंबाइन करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अगर हम उसी चीज को रोक देंगे जो हमें हेल्प कर रही है पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्म करने में, दैट मीन्स वो सेल मेम्ब्रेन को खराब करेगी और हमारे बैक्टीरिया को डेथ तक पहुंचा देगी। इट इज अ बैक्टीरियासाइडल। बैक्टीरियासाइडल मतलब हमारे हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दो टाइप से असर करती हैं, एक करती हैं बैक्टीरियासाइडल, एक करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है? दैट मीन्स बैक्टीरियासाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को मार देना, बैक्टीरियास्टैटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया को सिर्फ इनएक्टिवेट करना। अब क्यों हमें, अगर हम मार सकते हैं तो हम सिर्फ इनएक्टिवेट क्यों करेंगे? क्योंकि कई लोगों की बॉडी इतनी ज्यादा हाई डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं सर्वाइव कर सकती, नहीं टॉलरेट कर सकती। उनको हमें बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट ऑफ डोसेज देनी होती है ताकि बैक्टीरिया इनएक्टिवेट भी हो जाए, उनको इन्फेक्शन से भी रोका जाए, प्लस हमारी बॉडी भी जो पेशेंट की है वो सेफ रहे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब किसी भी चीज का, अब एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया पे असर ना होना इज अ रेजिस्टिव, एंटीबायोटिक पे बैक्टीरिया पर असर होना इज सेंसिटिवनेस, एंटीबायोटिक का थोड़ा सा असर होना, थोड़ा सा ना होना, दैट इज अ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो चुकी है ये पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसी पे असर नहीं कर पाती, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज, जो कि हम फर्दर कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल अबाउट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रेजेंटेशन। वी आर गोइंग टू, हम धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन सेवरल प्रेजेंटेशंस। सो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, धीरे धीरे हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क।